बता दें कि इस तरह पिछले साल भी जनवरी में पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि लोग पकोड़े बेचकर एक दिन में 200 रुपए कमा लेते हैं, उन्हें हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि हम नए रोजगार देने के लिए पीएम मोदी का स्वागत करने आए हैं। हम पीएम मोदी की रैली में पकोड़े बेचकर ये जानना चाहते हैं कि पढ़े लिखे युवाओं के लिए पकोड़े बेचना कितना महान काम है। पीएम मोदी की रैली में पकोड़े बेच रहे इन छात्रों का एक वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र किस तरह से पकोड़े बेचते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों के द्वारा इंजीनियर्स के पकोड़े और बीएलएलबी के पकोड़े बेचे गए। बता दें कि मोदी के पकोड़े वाले मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपना बयान दिया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उन्होंने कहा था कि ये बहुत दुखी करने वाली बात है कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं की बात करते हैं और देश के युवाओं को पकोड़ा बेचने की सलाह देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर अपनी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हर नागरिक पकोड़ा बेचने लगेगा तो उसे खाएगा कौन। वहीं 2019 की शुरुआत में एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि देश में बेरोजगारी 6.1% पर पहुंच गई है। इसके अलावा पिछले महीने एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि पीएम मोदी के नोटबंदी वाले फैसले से देश में अब तक करीब 50 लाख लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.